नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी नीतीश बाबू द्वारा किए जाने वाले बड़े खेले की, भारत और सिंगापुर के बीच हुए अहम समझौते की, और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने की। साथ ही आज की उन मुख्य घटनाओं पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र, अमित शाह बोले अनुच्छेद 370 हुआ अतीत, अब कभी नहीं लौटेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। शाह दो दिवसीय दौरे पर शुक्रवार दोपहर जम्मू पहुंचे। अमित शाह ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद कहा कि आजादी के समय से ही हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास किए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की झोली में 26वां मेडल आ गया है। हाई जंप के T64 के फाइनल इवेंट में भारत के 21 साल के पैरा एथलीट प्रवीण कुमार ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। भारत का ये 6वां गोल्ड मेडल है। अमानतुल्ला की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी में उबाल, कोर्ट ने ईडी हिरासत पर फैसला रखा सुरक्षित, पार्टी ने बीजेपी दफ्तर घेरा। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज रेवेन्यू कोर्ट ने आप नेता अमानतुल्ला खान की ईडी हिरासत पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 10 दिन की और हिरासत मांगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी ने विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के खिलाफ भाजपा कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। मानवता के इतिहास का सबसे गर्म साल रहा 2024। यूरोप की जलवायु एजेंसी कॉपरनिक्स ने दावा किया है कि साल की गर्मियों के दौरान धरती का तापमान सबसे ज्यादा रहा। एजेंसी का कहना है कि ये साल मानवता के इतिहास में सबसे गर्म साल रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 850 अंक टूटा, निफ्टी 24,900 से नीचे। शेयर बाजार को शुक्रवार रास नहीं आया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दिखी। सेंसेक्स 844 अंक फिसलकर 81,346 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। दूसरी ओर निफ्टी 245 अंक टूटकर 24,900 पर पहुंच गया। तो ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज के वायरल वीडियो से आपको रूबरू करा देते हैं जो सोशल मीडिया पर आज चर्चा का विषय बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के शाहजहानपुर से एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है। दरअसल इंदिरा नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रेन से टकराकर एक सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कान में ईयरफोन लगाकर घर से टहलने निकले सिपाही को बिल्कुल सामने से तेज रफ्तार से आ रही ट्रेन दिखाई नहीं दी और उनकी जान चली गई। वहीं ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए खौफनाक वीडियो। जान गंवाने वाले सिपाही का नाम अक्षय वीर बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही था। वहीं ये वीडियो हमें एक सीख भी देता है कि कभी भी रेलवे ट्रैक पार करते हुए कान में ईयरफोन या फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है और लापरवाही के चलते हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए आप लोग भी हमेशा सावधानी बरतें और रेलवे प्रशासन के नियमों का पालन करें। फिलहाल खबरें अब तक में बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। बिहार में फिर से सियासी बदलाव की आहट सुनाई देने लगी है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता ऐसी किसी संभावना से साफ इनकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि अगर वही आग नहीं है तो धुआं कहां से उठ रहा है। दरअसल बिहार में एक बार फिर बड़े खेला की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है नीतीश बाबू एक बार फिर पलटी मारने जा रहे हैं और दुश्मनों से हाथ मिलाने जा रहे हैं, जो पीएम मोदी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार भले ही अपने काम के लिए जाने जाते हों, लेकिन अपनी दलबदलू छवि से पूरे देश में विख्यात हो चुके हैं। जी हां, नीतीश बाबू जहां अपना फायदा देखते हैं उस ओर अपना रुख कर ही लेते हैं।
अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बड़ा खेला करते हुए विपक्षी दलों का साथ छोड़कर पीएम मोदी का हाथ थाम लिया था और चुनाव में एनडीए को खुला समर्थन दिया था। वहीं अब खबर है कि एक बार फिर नीतीश बाबू खेला करके दोबारा घर वापसी कर सकते हैं। दरअसल बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मुलाकात ने सूबे की सियासत का माहौल गर्म कर दिया है। कयासबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसे लगता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। सूत्र बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार की पलटी मारने की नींव पड़ चुकी है, दीवार तैयार करना बाकी है, वे कुछ भी दिनों में शायद तैयार हो जाएं। सूत्रों ने बताया कि देश की राजनीति में जो इस वक्त चल रहा है, नीतीश कुमार उससे बेहद असमंजस महसूस कर रहे हैं। बब वोट बिल के मुद्दे पर जिस तरह से सियासी माहौल बना, नीतीश कुमार बहुत परेशान हो गए। इतना ही नहीं, अभी गौरक्षा के नाम पर आर्यन मिश्रा की हत्या कर दी गई। नीतीश कुमार इन घटनाओं से बेचैन चल रहे हैं, यही कारण है कि वो विपक्षियों के साथ हाथ मिला सकते हैं। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। इस मीटिंग के दौरान नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम दो बार उन लोगों के साथ चले गए थे, वो भी हमारी गलती थी, अब फिर कभी ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। बिहार में बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सारा काम किया है। भले ही नीतीश की जुबान कुछ और बोल रही हो, लेकिन उनके हाव भाव कुछ और ही बयां कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब नीतीश कुमार पलटी मारने वाले होते हैं, तब पूरी तरह से इस तरह की बातों को नकारते रहते हैं, मगर कुछ दिनों बाद सियासी हलचल बढ़ जाती है और सरकार बदल जाती है। खैर, आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, चलिए इसी के साथ खबर अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दो दिवसीय सिंगापुर की यात्रा कर वापस भारत लौट आए हैं। बीते दिनों उन्होंने अपने दिल्ली लौटने की जानकारी दी और सिंगापुर का एक वीडियो भी जारी किया। वहीं पीएम मोदी की सिंगापुर यात्रा कई मायने में खास मानी जा रही है, क्योंकि सिंगापुर भारत का खास ट्रेडिंग पार्टनर रहा है। वहीं इसी के साथ भारत और सिंगापुर के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। भारत और सिंगापुर ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया है। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग सहित 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस दौरान सिंगापुर की कंपनियों ने अगले कुछ सालों में लगभग 60 विलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 5,00,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी ने सिंगापुर को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बताया और प्रधानमंत्री लॉरेंस बोक के साथ अपनी वार्ता के दौरान कहा कि भारत अपने खुद के कई सिंगापुर बनाना चाहता है। दोनों देश शिक्षा और उद्यमियों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने सिंगापुर के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम मजबूत करने का समझौता किया है। देश में सेमीकंडक्टर क्लस्टर बनाए जाएंगे और सेमीकंडक्टर डिजाइन और उत्पाद में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दोनों देश स्वास्थ्य क्षेत्र में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधन फार्मेसी क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाएंगे। सिंगापुर में सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीकी जैसे PDI, साइबर सिक्योरिटी, 5G, इमर्जिंग तकनीकी जैसे सुपर कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति बनी है। आपको बता दें, पीएम मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोक के बीच प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई। इस बैठक में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। भारत सिंगापुर में डिजिटल तकनीकी, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। ऐसे में इस डील से भारत देश को काफी लाभ होने वाला है, साथ ही मध्य वर्ग के लोगों को भी काफी फायदा होगा। खैर, बढ़ते हैं खबरें अब तक में अगली रिपोर्ट्स की ओर। आखिरकार वो हो ही गया जिसका काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। जी हां, अब यह ऐलान हो गया कि ओलंपिक में पदक पाने से चूक गई पहलवान विनेश फोगाट और एक और ओलंपियन बजरंग पुनिया आज आधिकारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। इस बात की बहुत ज्यादा संभावना थी
कि विनेश फोगाट को कांग्रेस में जिंद जिले की जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। जुलाना विनेश फोगाट की ससुराल भी है। वहीं बजरंग पुनिया को कांग्रेस स्टार प्रचारक के रूप में चुनाव प्रचार के लिए उतारा जाएगा। आपको बता दें, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। इसके संकेत उसी दिन मिल गए थे जब विनेश फोगाट ओलंपिक से लौटकर दिल्ली आई थी और उनके स्वागत के लिए रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट से जब विनेश फोगाट का काफिला आगे बढ़ा था तो जीप में दीपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया साथ साथ बैठे थे। इससे पहले जब महिला पहलवानों ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौवन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, तब भी इस मामले में हरियाणा के अंदर पहलवानों के पक्ष में कांग्रेस ने माहौल बनाने की कोशिश की थी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने खुलकर पहलवानों का समर्थन किया था। इतना ही नहीं, जब विनेश फोगाट लगभग 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से ओलंपिक में फाइनल नहीं खेल पाई, तब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जोर शोर से इस बात की मांग की थी कि विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजा जाए। उस वक्त भी भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान से साफ था कि कांग्रेस हरियाणा के विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की लोकप्रियता का फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि ओलंपिक के फाइनल में नहीं खेल पाने के बाद विनेश फोगाट के पक्ष में हरियाणा और देश के कई इलाकों में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिली थी। विनेश फोगाट जब दिल्ली लौटी थी और उनके आंसू छलक पड़े थे तो टीवी से लेकर अखबारों और सोशल मीडिया में भी आई उनकी तस्वीरों के बाद इस लहर में इजाफा हुआ था। अब सवाल यह है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के राजनीति में उतरने और कांग्रेस में आने का क्या असर होगा? इससे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में कितना फायदा होगा, क्योंकि ये दोनों नेता जाट बिरादरी से संबंध रखते हैं और हरियाणा की राजनीति में जाट समुदाय कई सीटों पर जीत हार का फैसला करता है। हरियाणा की 90 में से 36 विधानसभा सीटों पर जाट असरदार हैं। ऐसे में विनेश फोगाट के पक्ष में सहानुभूति लहर के चलते जाट समुदाय के मतों का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी पर हालांकि गैर जाट राजनीति करने का आरोप हमेशा लगता रहा है, लेकिन उसने हरियाणा में बड़ी संख्या में जाट नेताओं को भी आगे बढ़ाया है। अब सवाल यह है कि अगर जाट मतदाता कांग्रेस के पक्ष में एकजुट होते हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? अगर जाट बिरादरी का बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी के साथ गया तो सुनिश्चित रूप से उसे इसका फायदा होगा, जबकि ऐसी सूरत में कांग्रेस को इसका बड़ा नुकसान हो सकता है। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर डालते हैं आज की उन खबरों पर जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजेंद्र पाल गौतम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले खबर आई थी कि वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। वहीं कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। वहीं विनेश और बजरंग पुनिया का आज आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गई। दोनों के हरियाणा चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। वहीं मुंबई के लोअर परेल पश्चिम टाइम्स टावर इमारत में शुक्रवार सुबह आग लग गई थी। आग में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं पूर्व डीएमके नेता पर ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच एजेंसी ने उनका आलिशान बंगला, होटल और महंगी कारों सहित 55 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया है। वहीं राजस्थान में लंबे इंतजार के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। भजनलाल सरकार ने 108 आईएएस अफसरों का तबादला कर दिया। वहीं 20 आईएएस अफसरों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगापुर और ब्रुनोई की यात्रा कर 3 दिवसीय यात्रा समाप्त कर गुरुवार की रात दिल्ली पहुंचे।
पीएम मोदी ने एक्स पर अपनी सिंगापुर यात्रा का एक वीडियो भी शेयर किया। वहीं नवीन पटनायक के नेतृत्व वाले बीजू जनता दल ने शुक्रवार को राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार को उनकी कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए निष्कासित कर दिया। तो ये तो थी आज की वो खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों का विषय बनी रहीं, लेकिन जाते जाते आपसे एक और मुद्दे पर रूबरू हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। दलों के उम्मीदवारों की ओर से नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। विभिन्न दलों के स्थानीय नेता तो चुनाव प्रचार में उतर ही चुके हैं, साथ ही बड़ी पार्टियों के राष्ट्रीय नेता भी चुनाव प्रचार के लिए केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। गलियों और मोहल्लों में जनसंपर्क अभियान चल रहा है, रोड शो निकाले जा रहे हैं, घर घर जाकर नेता लोगों से वोट मांग रहे हैं, जनता भी खुलकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है। ये सब कुछ भय मुक्त वातावरण में हो रहा है, जो कि कश्मीर की घाटी के लोगों के लिए नई बात है जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। इन युवाओं ने तो ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा था। इस बार का विधानसभा चुनाव इस मायने में भी खास है कि कश्मीर घाटी में परिवारवादी दलों के दिन अब बदलते नजर आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में एक समय आतंक और अलगाववादियों का राज था, लेकिन आज यहां विभिन्न चौक चौराहों पर तिरंगा लहरा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में जब तिरंगा यात्रा का लाल चौक पर नेतृत्व किया था, तब वहां तिरंगा फहराने का मतलब जान से खेलना था। लेकिन उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर ऐसा बदला कि आज लाल चौक पर शांत और खुशहाली का नज़ारा पूरे कश्मीर में बदलाव दिखाता है। अगर आप हाल ही में कभी कश्मीर गए होंगे या श्रीनगर शहर का दौरा किया होगा, तो आपने देखा होगा कि कैसे स्मार्ट सिटी अभियान के तहत इस क्षेत्र का कायाकल्प हो गया है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में इस समय विकास की नई हवा बह रही है। बहरहाल नया कश्मीर पूरे भारतीयों के साथ ही कश्मीर के लोगों के लिए खूब बह रहा है। कश्मीर घाटी में किए गए विकास के बलबूते भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि यहाँ की जनता इस बार परिवारवादी दलों की बजाय उनका साथ देगी। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर बताइएगा। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। हार को भी सहना सीखिए, क्योंकि हर रास्ते पर जीत नहीं लिखी होती।